हम लोग अपने काम को, ये बड़ा नॉर्मल रवैया होगा शायद आपने ऑब्जर्व किया, हम अपने काम को एंजॉय क्यों नहीं करते हैं। मैं यार अब क्या काम है, दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है कोई डेस्क पर जिसका काम है, राइटर है, अरे दिल से क्यों नहीं कर रहे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, हम अगर अपने ऑफिस की बात कर लें या बाहर की बात कर लें, तो कोई शख्स अपने काम के साथ लगाव क्यों, जब आपको पता है कि यही आपका रोजगार है, आपने करना है, तो हम उसको अपना पैशन क्यों नहीं बनाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि लोग समझते हैं कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम है या ये बिहेवियर ओवरऑल है, ज्यादा पाकिस्तान का है। मैंने वहाँ पे तो सड़क साफ करने वालों को भी एंजॉय करते हुए देखा है, मैंने रोटियां लगाने वाले को देखा है, इंग्लैंड में था मैं, वो ऐसे ना वो क्या करते हुए, जो क्या माँ बचपन में चप्पल उठा के मारती थी, मैं जिस अच्छे तरीके से वो लगा रहा था। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं पाकिस्तान का प्रॉब्लम शायद अनएम्प्लॉयमेंट है, ये प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम अंडर एम्प्लॉयमेंट है। गलत आदमी गलत जगह पे काम कर रहा है। yes. वो बना किसी और काम के लिए yes. है, मजबूरन वालदैन ने कहा, सोसाइटी ने कहा, या अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम नहीं मिला, उसे कमतर पे काम करना पड़ा, इस वजह से वो एंजॉय नहीं कर रहा अपने काम को, वो उस काम को बेकार समझ रहा है, सजा समझ रहा है। ये भी रीजन, और उसके साथ दूसरा ये कि एक्टिविटी नहीं है हमारे पास। गोरा अगर अपनी पसंद का काम नहीं कर रहा, अगर वो जॉब कर रहा है, तो उसके साथ जो उसकी पर्सनल लाइफ में जो उसकी एक्टिविटीज है वो उसने नहीं छोड़ी। इस तरह के टूरिज्म है, वो जाएगा, वो अपना वीकेंड एंजॉय करेगा, अपनी पसंद के काम करेगा, स्पोर्ट्स करेगा, जो भी उसको चाहिए लाइफ में वो जरूर अपने वीकेंड्स पे या कर लेंगे। लेकिन हम कर क्यों नहीं पा रहे, हमारे यहाँ अनसर्टेनिटी है कि कल क्या होगा। अच्छा। जिस कंट्री की, जिन मुआशरों की आप मिसाल दे रहे हैं, वहाँ पे अगर आपके पास जॉब नहीं है तो सोशल सिक्योरिटी आपकी हेल्प करती है, आपको पता है कि कुछ ना कुछ चीजें आपको मिलेंगी। डॉक्टर साहब, कई दफा सेल्फिश होना अच्छा हो जाता है, यानी कि अगर हम गोरा की बात कर रहे हैं तो वो अगर उसकी थोड़ी सी शख्सियत का जायजा लिया जाए तो वो थोड़ा सा अपनी फैमिली की मदद नहीं करता, मतलब कि उसकी जात सबसे पहले है, वो सबसे पहले अपना वो रेस्ट देखेगा, अपना पीस देखेगा, अपना कंफर्ट जोन देखेगा, फिर वो जाएगा। हम यहाँ पर इतनी भागम दौड़ कर रहे होते हैं, दूसरों के लिए इतनी एफर्ट कर रहे होते हैं कि वहाँ पे जो हमारी ये सेल्फ है, जो हमारी जात है, उसकी सारी एनर्जी दूसरों पे खर्च हो जाती है, हमारे लिए कुछ रहता नहीं। इसमें भी सेटिस्फेक्शन है। देखें, कुछ लोग छीन के लेने में या वैसे लेने में मजा महसूस करते हैं और कुछ लोग देने में मजा महसूस करते हैं। अच्छा, अब मैं अपना सारे का सारा टाइम अगर अपनी फैमिली के लिए स्पेंड कर रहा हूँ, मैं सारी लग्जरीज जो मैं खुद एंजॉय कर सकता हूँ, मैं वो रोक के फैमिली को एंजॉय करवा रहा हूँ, मुझे इसमें मजा आ रहा है। अच्छा, बैलेंस करना बड़ा जरूरी है। बैलेंस चाहिए आपको, तो फिर ही मेरे ख्याल से कि वो जो है वो कामयाबी मिल सकती है।